हेलो एंड वेलकम बैक टू टर्बोचार्ज। आपका स्वागत है ऑटोडेस्क पार्ट 34 में एसी सीरीज में डेली बेसिस पे ऑटो अपडेट फीचर कर वीडियो को शुरू करें। फर्स्ट नंबर पे केटीएम ने पेश की 450 सीसी की न्यू एडवेंचर बाइक। केटीएम का भी सक्षम है ऑफ रोडिंग बाइक बनाने में। हाल ही में केटीएम ने एक न्यू ऑफ रोड बाइक का खुलासा किया है। कंपनी ने 450 रैली फैक्ट्री रेप्लिका एडवेंचर बाइक को पेश किया है। यह बाइक लिमिटेड एडिशन में अवेलेबल होगी। इसके केवल 80 यूनिट्स ही प्रोडक्शन में लिए जाएंगे। कंपनी ने यूरोप में 450 रैली फैक्ट्री रेप्लिका की कीमत 25,900 यूरो यानी करीबन 23 लाख रुपीज रखी है। इसकी बिक्री सितंबर से शुरू की जाएगी। इस बाइक में 450 सीसी का सॉक सिंगल सिलेंडर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज इंजेक्शन इंजन लगा है जो 68 पीएच की पावर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है 2021 BMW 5 सीरीज इंडिया में हुई लॉन्च। न्यू BMW 5 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। इसे 62.90 लाख एक शोरूम की कीमत पर लाया है। 2021 BMW 5 सीरीज 520D, 530D, M-Sport और 530i ट्रिम में उपलब्ध कराया गया है। कंपनी ने इसे कई कॉस्मेटिक अपडेट और स्टाइलिंग के साथ पेश किया है। न्यू BMW 5 सीरीज में 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 183 bhp की पावर और 293 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वही 3 लीटर का 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ यह इंजन 328 bhp की पावर और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सभी इंजन में 8 स्पीड स्टेप्टोनिक गियरबॉक्स लगाया है। साथ ही में सभी में 48 माइल हाइब्रिड टेक्निक का उपयोग किया गया है जो बेहतर माइलेज और पावर डिलीवरी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे फ्लाइंग कार PLV प्रोडक्शन 2020 से होगा शुरू। नेदरलैंड की कंपनी PLV 2020 से अपनी उड़ने वाली कार की सेल स्टार्ट करने वाली है। PLV अपनी फ्लाइंग कार को व्यावसायिक तौर पर बेचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनने वाली है। कंपनी ने बताया कि उसे यूरोप में फ्लाइंग कार को बेचने का लाइसेंस मिल गया है और कारों की बुकिंग स्टार्ट भी कर दी है। बताते हैं कि PLV के प्रोडक्शन इंडिया में अहम भूमिका निभाने वाला है। मार्च 2020 में कंपनी ने फ्लाइंग कार के प्रोडक्शन के लिए गुजरात सरकार से समझौते किया है। इस समझौते के तहत कंपनी गुजरात में प्लांट लगाने वाली है और 2021 से प्रोडक्शन को स्टार्ट करने की बात कही गई थी। इंडिया में बनने वाली कारों को यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाएगा। सड़क पर 100 मील्स प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है और साथ ही हवा में 200 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ भी सकती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर रिलेटेड कंटेंट।